हाय फ्रेंड्स, मेरा नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं जो हमारा घर में होते हैं ना पुराना सीलिंग फैन, इसका BLDC फैन में कैसे कन्वर्ट करेगा ये देखेगा। जो हमारा घर में होते हैं ना पुराना फैन, वो 60 वाट से 100 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। जो नया BLDC टेक्नोलॉजी आया, वो पुराना फैन का करंट में 3 और 4 फैन तक चलते हैं। जो हमारा पुराना फैन को घर में कैसे BLDC में कन्वर्ट करेगा वो देखेगा। वो वीडियो में जाने के पहले मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके दोस्त, जाएगा वर्कशॉप में। है दोस्तों, ये हमारा BLDC में कन्वर्ट करने का किट है। ये ऐसा वाला एक पुराना फैन हम लोग ये BLDC में कन्वर्ट करते हैं। ये इसका मैग्नेट है, ये इसका कॉइल, ये इम्पोर्टेंट ये इसका सर्क्यूट बोर्ड, इसका रिमोट, इसका ऊपर आते हैं ना एक कप, ये बोर्ड डैमेज ना होने के लिए एक कवर। अभी देखिए, एक पुराना एक फैन को मैं खोल के रखा है, इसका बैरिंग खराब था वो मैं बदली कर दिया। ये रिंग तो हम लोग निकालने वाला है, इसका पुराना रिंग। ये इसका कॉइल पहले ऐसा रखे, अंदर जाने के लिए थोड़ा हम से थोड़ा मारना चाहिए। देखिए, ये मैग्नेट इसका ऊपर ऐसा रखना चाहिए। बाद में ऐसा 4 स्पेसर बनाना चाहिए। ये स्पेसर का गैप में चारों साइड में रखने चाहिए बनते। कुछ भी पेपर और ट्रिप्लेक्स पेपर कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। बाद में मार्किंग करना चाहिए ये मैग्नेट का, इसका अंदर अच्छा से जाने के लिए एक मैग्नेट का बॉडी कट करना चाहिए। पहले अच्छा से मार्किंग करके बराबर रखे, मार्किंग करके ये ऐसा एक्स से कट करना चाहिए। देखिए, अभी दो तीन बाकी है, ये भी ये मैग्नेट एक्स से कट करना चाहिए। अभी पूरा में कट कर दिया, बाद में ऐसा एमरी से ऐसा फाइल करना चाहिए। इसका ऊपर जो ये भी कट करेगा, पुराना वाला फैन का और रिंग वो निकाल के ये मैग्नेट सही कट करके इसका बराबर कट करके इसका अंदर रखना चाहिए। ये फिट करने के पहले
ऐसा बंद करके बराबर ऐसा बराबर बंद होते देखेगा तो अच्छा है। अभी देखिए अच्छा से बंद होते हैं। अभी कुछ ग्लू इसका मैग्नेट में ऐसा ग्लू रख के बराबर बंद करना चाहिए। बाद में ये पुराना वाला स्प्रिंग जो होते हैं ना ये इसमें डाल के कॉइल ये मैग्नेट का अंदर रखना बनते है। अभी देखिए इसका ढक्कन ऐसा बंद करेगा। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका मैग्नेट बराबर अंदर जाना चाहिए। बंद करके इसका स्क्रू डालेगा। अभी देखिए ऐसा करके इसका अंदर कुछ टच होते हैं नहीं ये देखना चाहिए। अभी इसका बोर्ड इसका ऊपर फिट करेगा। इसका एक होल होता है, इससे ये वायर निकालेगा। कॉइल का ये बोर्ड में कॉइल का वायर एक बोर्ड में क्लिप करना चाहिए। अभी देखिए इसका एक होल होते है, पहले हम लोग जो कैपेसिटर स्क्रू रखे है ना वो होल इसका अंदर वो स्क्रू उसमें डाल के इसका ऊपर का ढक्कन भी इसमें डालना चाहिए। अभी इसका ऊपर वाला कवर में एक होल करना चाहिए। इसका बोर्ड का सेंसर इसका अंदर से डालने के लिए अभी इसके में वायर डाल के थोड़ा चेक करेगा। इसमें रिमोट में 2 AA बैटरी आती है रखे। अभी देखिए ये अच्छा से चलते है। अभी ये फिट करके देखेगा। अभी फिट कर दिया, ये अच्छा से चलते हैं। देखिए इसका एक फंक्शन भी आते हैं रिवर्स। ये रिवर्स रखेगा तो ये फैन रिवर्स में करे रोटेशन हो जाएगा। इसका पूरा ऊपर जो होते हैं ना डस्ट वो पूरे निकलेगा ये रिवर्स में रोटेशन करेगा तो। अभी देखिए अभी रिवर्स में चलते हैं, अच्छा स्पीड होती है इसको। जो हमारा पुराना फैन जो है ना इससे ज़्यादा स्पीड मिलते हैं। अभी देखिए बंद कर दिया, फिर रिवर्स बटन में मारेगा तो इसका सही रोटेशन में चलेगा। इसका टाइमर भी आते है इसका रिमोट में, 2 आवर 8 आवर ऐसा। दो में रखेगा तो भी अच्छा स्पीड मिलते हैं। एक में 7 वाट खाली 7 वाट लेते हैं, एक नंबर में खाली 7 वाट में। इसमें 5 में रखेगा तो 30 ज़्यादा ज़्यादा 30 तक वाट लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरा जो ये वीडियो पसंद हो गया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।